नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मौसम के मिजाज की बात करें तो लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ अब बारिश हो रही है तो वहीं रात होते ही जो कनकनी है वो अब बढ़ रही है। ऐसे में अब मौसम को लेकर ताजा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 16 और 17 फरवरी के बाद मौसम में एक खास परिवर्तन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि भले ही आसमान पर बादल रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, किन किन बातों का ख्याल रखने के लिए मौसम विभाग ने लोगों से कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ फिर दस्तक देने वाला है लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं होगा। मौसम में होने वाले इस बदलाव की वजह से 16 और 17 फरवरी को पटना समेत राज्य में कहीं कहीं बादल गरजेंगे। आकाश में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी। रविवार को पटना समेत पूरे बिहार में खिली हुई धूप निकली। पछुआ हवा की रफ्तार कम होने की वजह से दिन में ठंड का एहसास नहीं हुआ। वहीं रविवार को गया सबसे सर्द रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 1.2 गिरकर 8.8 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं पटना का तापमान पिछले 3 दिनों में करीब 5 डिग्री लुढ़क गया है। अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि ये जो अपडेट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें 16 और 17 फरवरी को लेकर ये कहा गया है कि आसमान पर बादल छाए रहेंगे, पछुआ हवा बहने से जो ठंड है वो बढ़ जाएगी लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रात के साथ साथ जो कनकनी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि दिन में धूप खिलने से ठंड से राहत मिलती है लेकिन शाम होते ही पारा लुढ़कने लगता है और जो सर्दी है वो लोगों को सताने लगती है। ऐसे में एक बार फिर से जो अपडेट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आसमान पर बादल छाए रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।